तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको कल, सैमसंग A52F 5G वाले में एक नया अपडेट आया था, या बोल सकते हैं अप्रैल की सिक्योरिटी को अपडेट किया गया था। आज मैं आपको उस अपडेट का रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि उस अपडेट के बाद मुझे क्या क्या लगा और एक्चुअल में डिवाइस की क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट्स के, नए रिव्यू के बारे में सैमसंग A52s में। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में, और यहाँ लास्ट अपडेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने कल ही के दिन इसको अपडेट किया था। लगभग 24 आवर्स पूरे हो चुके हैं जिसको मैंने 8:58 पे अपडेट किया था, और लाइक अभी 8:34 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या था। इस अपडेट में सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया था और बग्स को फिक्स आउट किया गया था, ऐसा इनका कहना है, और हो सकता है कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी एड ऑन किए गए। तो दोस्तों, बात करें पहले तो सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी तो अपडेट तो हो गई है, क्योंकि सिक्योरिटी नया चेंजेस आए हैं तो सिक्योरिटी में तो अपडेट की गई है और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद करें परफॉर्मेंस की। दोस्तों, परफॉर्मेंस में बताओ, चलने में तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स भी खोल लूँ कंटिन्यू, तो भी ये चल रहा है, तो चलने में कोई इश्यूज नहीं है। स्पीड्स बराबर आ रही है, हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट चल रही है। अगर आप चला के देखेंगे, मैं कंटिन्यू यहाँ पर कितने सारे ऐप्स खोल के रखें, तो आप देख सकते हैं सब यहाँ पर क्लियरली विजिबल है और क्लियरली अच्छे से चल रहे हैं। उसमें कोई लैगिंग नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं आ रहा, और चल रहे हैं मस्तली यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर स्वाइप अप करके, तो आपको पता चल जाएगा कि यह यहाँ पर चल रहा है कि नहीं। तो स्पीड में कोई इशू नहीं है, स्पीड तो अच्छी खासी यहाँ पर मिल रही है। मुझे यहाँ पर दो इशू लगे, हो सकता है ये किसी और कारण के वजह से हो, बट मुझे इशू लगा, सबसे ज़्यादा इशू लगा बैटरी का। बैटरी जो बहुत जल्दी जा रही है यार, पहले की जो, उससे पहले वाला अपडेट था उसमें इतनी जल्दी बैटरी लो नहीं हो रही थी। जिस अपडेट्स के बाद यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा है कि डिक्रीज़ हो गई है। अगर मैं आपको ले चलूँ यहाँ पर सेटिंग पे, सेटिंग पे ले जाने के बाद मैं आपको ले चलूँ यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पे, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे, और अगर आप यहाँ देखें बैटरी परफॉर्मेंस को, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सिंस लास्ट चार्ज कब किया था, यह मैंने लास्ट चार्ज किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिंस लास्ट चार्ज, मैंने लास्ट फुल चार्ज किया था कल, और बीच में मैंने भी आधा अधूरा भी चार्ज किया। तो यहाँ पर जो मेरा बता रहा है 4 आवर्स का, बट ये ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा कम चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में मैंने इसको थोड़ा बीच में चार्ज भी करा। ओवरऑल जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरी बैटरी परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर मैंने इसको फिर चार्ज करा, फिर यहाँ पर चार्ज करा, जब यहाँ पर स्पीड चलाई फिर चार्ज करा, ओवरऑल इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज लगी मुझे। अगर आप चला के देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बैटरी की बहुत ज़्यादा स्पीड में गिर रही है कंटिन्यू। मैंने देखा 2-3 बार, तो 20 के बाद तो मेरी मोबाइल की बैटरी जब 20% पे हुई, उस टाइम तो ऐसे गिरने लगी बिल्कुल मिनटों में, एक मिनट के अंदर 1-1 पॉइंट वहाँ पर गिरने लगा। ये मेरे साथ तो हुआ, हो सकता है आपके साथ भी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी बैटरी परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट रहा। और उसके बाद बात करें एक बग्स की जो मुझे लगी है, वो ये है, अभी भी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर रूटीन्स को यूज़ करा हुआ है, जैसा कि 1UI 5.1 में भी हुआ था और सेम अभी भी हुआ है। अगर मान लो यहाँ मैं कैमरे को ऑन करता हूँ, कैमरे को मैंने ऑन करा, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एक रूटीन ऑन करके रखा है मैंने, और रूटीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। बट अगर मैं इसको ऑफ भी कर रहा हूँ तो वो रूटीन नहीं बंद हो रहा, रूटीन कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे ही मैंने गैलरी में ऑटो रोटेशन लगाया हुआ था, और अभी ऑटो रोटेशन ऑन हो गया है, और अगर मैं इसको बंद भी करूँ तो भी वो ऑटो रोटेशन बंद नहीं होगा। आप देख रहे हैं कभी कभार बंद हो जा रहा है और कभी कभार नहीं हो रहा। अगर मैं अभी बंद करूं तो कभी कभार हो जा रहा है और कभी कभार नहीं भी हो रहा। भाई मेरे साथ तो ये इशू रहा, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वो मैंने चला के रखा था, तब नहीं हुआ, बट अभी यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये बग भी मुझे यहाँ पर लगा, ये पहले वाले में भी था और सेम बग अभी भी है। क्या पता अभी कैसे काम कर रहा है, बट भाई मैं सुबह से चेक कर रहा हूँ, या बोल सकते हैं कल से चेक कर रहा हूँ, बग तो है ही, कंटिन्यू चलता है थोड़ी देर फिर बंद हो जाए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कैमरा रनिंग भी था, वो भी बंद हो चुका है। तो मुझे सबसे पुअर चीज़ लगी इस अपडेट के अंदर बैटरी से रिलेटेड, और थोड़ा हीट भी हो रहा है यार, मोबाइल हीट यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, तो हीटिंग भी मुझे लगी। हीटिंग की वजह से एक मान सकते हैं कि गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस वजह से भी हीट हो रहा है, बट बैटरी परफॉर्मेंस तो मुझे ज़्यादा काफ़ी पुअर लगी। बाकी ओवरऑल उसके चलने में की स्पीड में कोई इशू नहीं है, चलने की स्पीड तो इम्प्रूव है और अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रही है, मतलब इम्प्रूव जैसे पहले थी सेम वहाँ पर चल रहा है। अगर आप कंटिन्यू बहुत सारी एप्स भी खोल लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और सब यहाँ पर ईजिली यहाँ पर
चल रहा है, ना इस नेट की परफॉर्मेंस में, और इस परफॉर्मेंस में कोई भी इश्यूज नहीं है। ओवरऑल बैटरी में प्रॉब्लम है, और इसके अलावा आपको लगता है कि और कुछ बग दिए गए? एक मैंने कमेंट देखा था कि ब्लूटूथ के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, पर मेरा ब्लूटूथ तो अच्छा वर्क कर रहा है, मैं स्मार्ट वॉच यूज़ करता हूँ तो मेरा ब्लूटूथ हमेशा कनेक्ट रहता है, तो उसमें मुझे कभी इशू नहीं हुआ, बट अभी लग रहा है, क्योंकि देखिए आपके सामने मैंने ब्लूटूथ ऑन करा तो वो ऑन ही नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी की इशू यहाँ पर भी आ चुका है, मतलब कि ब्लूटूथ में भी कुछ इश्यूज हैं और ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ऐड ऑन की गई है, मतलब ये सब चीज़ें बग्स यहाँ पर फिक्स, बग्स को देखा गया है, हो सकता है आने वाले टाइम पे इस बग्स को यहाँ पर फिक्स आउट कर दें। फिलहाल ये ब्लूटूथ वाला बग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मेरा हो सकता है पहले से ब्लूटूथ ऑन था तो मुझे नहीं समझ में आया, बट अभी आप देख रहे हैं तो ब्लूटूथ का भी यहाँ पर ये बग दिख रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ बग हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ी कोशिश के बाद अगर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है थोड़ी कुछ कमी है तो मुझे सिलाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ यार भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि जल्द से जल्द मैं कुछ और भी कर सकूँ और अच्छे अच्छे भी अब वीडियोज़ ला सकूँ। तो थैंक यू।